इस शांतिपूर्ण चुनावों में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथियों, चुनावों में जो जबरदस्त मतदान और लोगों की पार्टिसिपेशन रही, मैं उम्मीद करता हूं कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार का गठन होगा वो सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा, आवाम की खिदमत करने वाली सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के जो संकल्प हैं नए जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत करना, एक नया जम्मू कश्मीर, एक शानदार जम्मू कश्मीर, एक खुशनुमा जम्मू कश्मीर और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, इसके लिए नई सरकार काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में यहां की आवाम ने, जनता ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, इन चुनावों में विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी और यकीनन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया है, उसी का नतीजा है कि हर एक मतदाता जो वोट देने यहाँ मतदान केंद्रों पर जा रहा था, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल खोलकर जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। यकीनन मेरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होना, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी जीत, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली की जीत, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है और उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में पुरमन तरीके से, शांतिमय तरीके से यहाँ असेंबली के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 8 तारीख को आएंगे, मुझे लगता है कि उनका इंतजार करना चाहिए। हम सबको 8 तारीख जिस दिन जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी उस दिन का इंतजार करना चाहिए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। जो 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 चेहरे के पीछे जो जो मतदाताओं ने जिस खुशी, जिस जोशपूर्ण तरीके में मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो बड़ी बड़ी जनसभाओं में जन सैलाब और जन समंदर उमड़ के आया, वो चाहे जम्मू संभाग की रैलियां हो या वादी कश्मीर में भी जो मोदी साहब की बड़ी जनसभा हुई थी, मानो पूरा कश्मीर मोदी साहब की उस रैली में शामिल हुआ। उसके बाद हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब,
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की जो यहाँ रैलियाँ हुई, जबरदस्त शानदार वो रैलियाँ थी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जनसभाओं में, इन रैलीज में जो जोश, उत्साह, जश्न और लोगों के चेहरों की खुशी थी, वो साफ बता रही थी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और बीजेपी को जबरदस्त और शानदार जीत हासिल होने वाली है।